तो कोलकाता में ऐसा कौन सा पांच जगह है जिस पर आपको जाना ही चाहिए शाम के वक्त, मतलब सूरज डूब जाने के बाद? कौन सा ऐसे पांच टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर अगर कोलकाता में घूमने आ रहे हो मीन्स आपको जाना ही चाहिए? मीन्स गाइज, एक शहर में ऑलवेज दो टाइप ऑफ टूरिज्म होता है, एक होता है डे टूरिज्म, एक होता है नाइट टूरिज्म। एक्चुअली डे के टाइम में कुछ जगह पर जाओगे तो यू कैन एन्जॉय द प्लेस, और शाम के वक्त मतलब सूरज डूब जाने के बाद ऐसे कुछ जगह रहता है जब आपका पूरा पैसा वसूल मजा आता है। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम योर फ्रेंड बिशाल, गोइंग टू टेल यू फाइव यूनिक प्लेसेस जहां पर आपको जाना चाहिए शाम के वक्त इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द कोलकाता। कैसे जाओगे, क्या क्या देखने के लायक चीज़ है, कितना खर्चा आता है, यू विल गेट ऑल स्टफ ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोलकाता टूर प्लान कर रहे हो तो यू कैन पुट ऑल दिस प्लेसेस इन योर चेकलिस्ट। सो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक जस्ट छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो, थोड़ा सा रंगीन मिजाज के हो, अगर आप पार्टी शार्टी करना चाहते हो कोलकाता में, सो माई लवली फ्रेंड्स, यू हैव टू कम एट द पार्क स्ट्रीट एट द इवनिंग टाइम। दोस्तों, पार्क स्ट्रीट में आपको मिल जाएगा हजारों अकॉर्डिंग टू योर बजट होटल्स, पब्स, डिस्क क्लब्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अब वहाँ पर जाकर आप नाइट लाइफ ऑफ कोलकाता इंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो, कॉकटेल वॉकटेल का स्वाद ले सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, पार्क स्ट्रीट एक ऐसा जगह जो नाइट लाइफ के लिए एकदम आउट ऑफ 10 है। सिर्फ ये नहीं, पार्क स्ट्रीट में अगर आप कॉकटेल और नाइट क्लब पार्टी अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत सारे ऐसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स, उस रेस्टोरेंट में जाकर आप टेस्ट ले सकते हो लॉट ऑफ डिफरेंट इंडियन कुजिन्स एंड कॉन्टिनेंटल फूड्स। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा पैसा उसूल एक जर्नी होने वाला है कोलकाता में। अगर आप कोलकाता प्लान करना चाहते हो, कोलकाता में आने का कोई प्लान है, सो गाइज ट्रस्ट मी, यू मस्ट हैव टू गो पार्क स्ट्रीट एट द टाइम ऑफ नाइट और इवनिंग। दोस्तों, ये जगह तो मेरा बहुत पसंद है, अगर आप कोलकाता में आ रहे हो, कोलकाता का कल्चर देखना चाहते हो, कोलकाता का आर्ट देखना चाहते हो। एक्चुअली कोलकाता बहुत ही कल्चरल सिटी, ओल्ड सिटी, द नेम ऑफ द प्लेस इज नंदन। गाइस, नंदन एक फिल्म सिटी मीन्स जहाँ पर फिल्म फेस्टिवल भी होता है, एंड इट इज़ द सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, आपको तो जाना ही चाहिए। अगर आप नंदन का एग्जैक्टली खूबसूरती देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सही टाइम है सूरज डूबने के बाद जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे ब्यूटिफुल आर्ट गैलरीज। नॉट ओनली आर्ट गैलरीज, एकदम नंदन के साथ ही है तो ऐसे यूनिक पार्क, जिस पार्क का नाम है मुहूर कुंज, उस पार्क में आपको मिल जाता है वाटर सम स्पोर्ट्स इन द इवनिंग। तो ट्रस्ट मी, उस जगह इतना बढ़िया जगह है, एकदम सेंटर ऑफ द सिटी, वहाँ पर आपको देखने लायक इतना कुछ मिल जाएगा, इतना गैदरिंग होता है, इतना हैंग आउट होता है, आपको तो 2 से 3 घंटा 4 घंटा लेकर जाना ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, कैसे आपका शाम बीत जाएगा यू कांट इवन इमेजिन। इवन कोलकाता जो फिल्म फेस्टिवल होता है, बंगाल फिल्म फेस्टिवल होता है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, काजोल, सभी जो बॉलीवुड स्टार है इंडिया का, वो भी आते इस नंदन में टू एक्सप्लोर द फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द बंगाल फिल्म फेस्टिवल। सो गाइज, पहला चेकलिस्ट में लिख लीजिए, नंदन को मिस नहीं करना है, बट जाना होगा आपको शाम के वक्त। फ्रेंड्स, अगर आप नेचर लवर हो और कोलकाता में आकर आप नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो फ्रेंड्स शाम के वक्त आपको तो जाना ही चाहिए इन द मिलेनियम पार्क। मिलेनियम पार्क के दो चीज़ का व्यू जबरदस्त आता है, ट्रस्ट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिवर गंगा है हम लोगों का, जो सबसे होली रिवर है इंडिया का, रिवर गंगा का जो सनसेट के बाद जो व्यू आता है, ट्रस्ट मी, दैट इज जस्ट ऑसम। सिर्फ रिवर गंगा नहीं, आप मिलेनियम पार्क में बैठकर आप देख सकते हो हावड़ा ब्रिज, जिसको बोला जाता है क्राउन ऑफ सिटी कोलकाता। और हावड़ा ब्रिज पे जो शाम के टाइम पूरा लाइटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट जलाया जाता है, एंड ट्रस्ट मी, मिलेनियम पार्क में बैठे हुए एक तरफ गंगा रिवर और दूसरे तरफ हावड़ा ब्रिज को देखने का जो मजा होता है ना, ट्रस्ट मी, जस्ट ऑसम। और मिलेनियम पार्क बहुत ही खूबसूरत जगह है, फैमिली के साथ जा सकते हो, फ्रेंड के साथ जा सकते हो, अकेले भी जा सकते हो। शाम के वक्त अगर आप जाओगे, ट्रस्ट मी, यू कैन एंजॉय लॉट ऑफ ट्रीज, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल राइड्स, ऑल्सो द व्यू ऑफ रिवर गंगा एंड द हावड़ा ब्रिज। तो आपको तो जाना ही चाहिए दोस्तों मिलेनियम पार्क शाम के बाद इन कोलकाता। दोस्तों, इस शहर में आकर आपको तो शॉपिंग करना ही चाहिए, और शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है दोस्तों इस प्लैनेट। गाइस, इस प्लैनेट है एकदम धर्मतला, इट मीन्स सेंटर ऑफ द कोलकाता। कोलकाता मीन्स आसपास भी कहीं रह रहे हो, सीधा बस पकड़ के धर्मतला आ सकते हो, वहाँ से जस्ट वॉक इन डिस्टेंस है इस प्लैनेट। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शॉपिंग, कुछ भी सोचो खरीदना चाहते हो, गारमेंट्स टू शूज, शू टू बैग्स, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट इन दिस ब्यूटिफुल प्लेस। शॉपिंग के लिए ये जगह तो जन्नत है, सिर्फ कोलकाता का लोग नहीं, जो लोग बाहर से भी आते हैं वो लोग अकॉर्डिंग टू देयर बजट खरीदारी के लिए प्लैनेट एरिया में ही जाते हैं। एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ, आपका बजट है 100 रुपये, आपका बजट है 1 लाख, वट एवर इज योर बजट, यू विल गेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर बजट इन दिस प्लैनेट एरिया। सो प्लैनेट
लेकिन आपको सुबह नहीं जाना है, आपको जाना है मेनली शाम के वक्त. उस टाइम आप इंजॉय कर सकते हो द ग्रेट पीपल कोलकाता. आप देख सकते हो ह्यूज मार्केट, जो प्लैनेट मार्केट का जो एग्जैक्ट ग्लैमर वो निकल के आता है सिर्फ शाम के वक्त ही. सो गाइज, शहर में आना है, शॉपिंग करना है, और भूलना मत प्लैनेट से ही आपको शॉपिंग करना है. दोस्तों, कोलकाता टूरिज्म और बंगाल टूरिज्म में ऐड हुआ एक नया प्लेस ऑफ टूरिज्म, दैट इज द बिशो बांग्ला गेट, जिसको बोला जाता है कोलकाता गेट. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप चाहते हो, अगर आप फूडी हो, रेस्टोरेंट कल्चर अगर लाइक करते हो, ट्रस्ट मी, ये आपका होने वाला है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. बिकॉज जमीन से ऑलमोस्ट 55 फीट ऊपर, बीस इतना ऊपर हाइट से अगर खाना खाते करते शहर को ऊपर से देखने का एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी, गजब का होता है. एक नया कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेंट का, इसको बोला जाता है ऑल्सो हैंगिंग रेस्टोरेंट. एंड ट्रस्ट मी, ये शायद इस देश का वन एंड ओनली रेस्टोरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बनाया गया है. ठीक रस्ते के ऊपर, फोर पिलर्स के ऊपर, एक डिफरेंट शेप, यूनिक शेप, एक ट्यूब शेप के एक रेस्टोरेंट है. एंड आपको वहां पर मिल जाएगा जस्ट माशाल्लाह डिफरेंट टेस्टी फूड्स. और अगर कोलकाता में आ रहे हो शाम के वक्त ही, आपको जाना है बिकॉज ऊपर से पूरा न्यू टाउन शहर का, मीन्स कोलकाता शहर का जो पार्ट है न्यू टाउन, पूरा लाइट से डेकोरेशन किया जाता है. और इतना ऊपर से, ट्रस्ट मी, इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ लाइट को देखते हुए फूड का स्वाद लेना एक्सपीरियंस, trust me, something different. So guys, आपको जाना ही चाहिए कोलकाता में आ रहे हो तो. इसको जो बोला जाता है विश्व बांग्ला गेट, कोलकाता गेट, न्यू टाउन गेट, कुछ भी बोले, एक ही जगह है. यू मस्ट हैव टू गो. 50 रुपए टिकट होता है, उसके बाद खाने खर्चा अलग. सो यू मस्ट विजिट विश्व बांग्ला गेट ऑफ कोलकाता. अगर कोलकाता आ रहे हो तो ये पांच जगह आपको घूमना ही चाहिए. यस माय फ्रेंड्स, ये पांच जगह है कोलकाता का मेन अट्रैक्शन पड़ता है जो शाम के वक्त आपको घूमना चाहिए. सो गाइस, व्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं. व्लॉग को खत्म करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.